दोस्तों, तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट में बहुत बिल्ड देखे होंगे। आई नो तुम लोगों ने बहुत बिल्ड देखे होंगे, तुम लोगों ने मेरे से भी ज़्यादा बिल्ड देखे होंगे। लेकिन तुम लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के टॉप 10 एपिक बिल्ड जो कि बनाए गए अलग यूट्यूबर्स की तरफ से, जो कि इंडियन है। मतलब तुम लोग अपने हिंदुस्तानी हुआ देखने जा रहे हो, तुम लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिल्ड देखे होंगे दूसरों के, पर आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तानी जलवा, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर। बिल्कुल सही, माइनक्राफ्ट के अंदर। सो जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर, वो अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ बनाते हैं। कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं क्योंकि उनको बस रहना होता है। कुछ लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो किसी ने ना बनाई हो। और वैसे ही कुछ अनोखे लोग आप लोगों को दिखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो टॉप 10 की है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाई है, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और ज़्यादातर लोग हार्ड कोर के रूल्स सजेस्टमेंट कमेंट, ज़्यादातर बंदे हार्ड कोर के, वो उनके ग्राइंड का नतीजे कि वो इस वीडियो में है। क्योंकि जिन लोगों ने जितना ग्राइंड करा उस हिसाब से मैंने रैंक दिया है, जिसको जितना टाइम लगा उस हिसाब से मैंने रैंक दिया है। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नंबर 10 पे आता है सतेक्सु का डायमंड सतेक्सु स्टैचू, जिसको बनाने में इनको काफ़ी टाइम लगा। तो इस वीडियो में स्पेशली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे डायमंड के, मतलब डायमंड का वर्ल्ड ब्लॉक बना रहे थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड इन्होंने माइन कर रहे थे उस टाइम पे। अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, बट उस टाइम पे था, और ये सच में बहुत ही एपिक चीज थी उस वक्त। किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिकॉर्ड था। पर इन्होंने 20,000 डायमंड के ब्लॉक माइन करके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा एपिक लगता है, तुम लोग जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे हो। और इनके ग्राइंड का नतीजे कि इनको 10वां नंबर मिला। बाकी मैं चाहता तो इन्हें आगे भी देख सकता था, पर आगे और भी मस्त मस्त चीज़ें हैं जिनको देख के तुम लोगों को बहुत मज़ा आने लगा। लिटरली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी जो मुझे लगी सतेक्सु के जो ये डायमंड का स्टैचू था, क्योंकि सतेक्सु की स्किन और ये दोनों काफ़ी मैच करते हैं, और इसको बनाने में सही में उनको बहुत टाइम लगा, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। तो अब अगले की तरफ चलते हैं, तुम लोगों को दिखाते हैं नंबर 9। सो लेट्स गो। सो गाइस, नंबर 9 पे जो निकल के आता है वो है डी एक्सट्रीम का ताजमहल, जो कि पूरे एमरल्ड के ब्लॉक से बनाया गया। इसको बनाना सोचो तुम लोग कितना मतलब मुश्किल होगा। तुम लोग एक बार बस सुनो और फील लो इसकी कि मतलब क्या गाने को क्या मस्त तरीके से इन्होंने एडिट करा है, तुम बस सुनो। सो गाइस, एक बार इसका फाइनल टच देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ताजमहल। और सच में ये वन ऑफ द मोस्ट रेटेड वीडियो है दी एक्सट्रीम के चैनल पे, और मतलब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनके व्यूज़ है। ऊपर से यही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ताजमहल। अगर तुम जानते हो नहीं हो उनको डी एक्सट्रीम को, तो इनके कम सब्सक्राइबर, बट हाँ ये लॉयल SMP में भी खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त इनके बिल्ड्स होते हैं। तो तुम लोग आगे भी इनकी वीडियो देखना चाहते हो देखना, बाकी सबको क्रेडिट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो तुम देख लेना। सो गाइस, नंबर 8 में निकल के आता है गेमर जतिन का ताजमहल। तो उस ताजमहल और इस ताजमहल को कंपेयर करो, कौन सा आप लोगों को रियलिस्टिक लग रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कौन सा ताजमहल लग रहा है, कौन सा कितना अच्छा है, किसने कितना ग्राइंड करा है, दोनों को एक बार कंपेयर करो और देखो कौन सा ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको देख के लग रहा है हाँ भाई ये तो ताजमहल है। तो उनका थोड़ा बहुत क्या था कि ग्रीन कलर का ताजमहल बनाया, जो कि ग्रीन कलर का नहीं दिखता, तुम लोगों को पता है ग्रीन कलर का ताजमहल नहीं दिखता। बट एक बार इसे देखो भाई, ये ताजमहल ऐसा लग रहा है रियल ताजमहल बना रखा है, जो सच में कमाल का है। और ये वन ऑफ द मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा है ताजमहल, पूछो मत। और इसी वीडियो की वजह से भाई मैंने गेमर जतिन को फॉलो करना स्टार्ट किया, उनको सब्सक्राइब किया, और सच में भाई बहुत कमाल का था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि आखिर कोई बंदा ऐसी चीज़ भी बना सकता है। पर आगे आने वाली चीज़ तुमको हिला डालने वाली है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब जो चीज़ निकल के आती है वो बनाई है वोल्ट 80 ने। तो ये है गोल्डन पैलेस जो हवा में है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इतना ज़्यादा मस्त है ना, एक बार तुम खुद देखो भाई, तुम लोगों को पता चल जाएगा कितना अच्छा बस है गोल्डन पैलेस। देखो भाई एक बार,
कितना मस्त बनाया। तो इसकी ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने अपनी वीडियो में ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, इसलिए मैं भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाया, नहीं तो वैसे वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन सच में गोल्डन पैलेस इतना मस्त है ना वोल्ट 18 का, तुम लोग एक बार जाकर उनके चैनल पर पूरी वीडियो देखो, तुम लोगों को समझ आ जाएगा कितना मस्त है। अब चलो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ। अगर तुम लोग गेमर फ्लीट को नहीं जानते तो इसका मतलब तुम लोग गेमर फ्लीट क्या, तुम लोग माइनक्राफ्ट भी नहीं जानते, क्योंकि गेमर फ्लीट पहले ऐसे यूट्यूबर थे जो परमानेंट मतलब ऐसा कि रेगुलर लाइव करते थे माइनक्राफ्ट के, और मैं उस टाइम से देखते आ रहा हूँ गेमर फ्लीट को। सच में उनके फ्लीट जो किंगडम था ना उनके बिल्ड एक नंबर थे। और अभी तुम लोग एक बार ये देखो, ये उनका वर्ल्ड है फ्लीट किंगडम, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरा बना रखा है, ये ओशन मैनुमेंट पूरा का पूरा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर रखा है, पहले ड्रेन किया फिर उसे ट्रांसफॉर्म किया, और देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है। एक बार तुम देखो अच्छे से भाई, एक नंबर लग रहा है, मैं तुम लोग बता रहा हूँ कसम से एक नंबर लग रहा है ये भाई। इस बिल्ड को बनाऊंगा, इस ये बिल्ड इतना अच्छा ना कि मैंने इसे उससे ऊपर भी रखा, क्योंकि भाई पहले तो ड्रेन करो उसे, उसे ट्रांसफॉर्म करो, वो भी इतना अच्छा भाई, लाजवाब एक नंबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नंबर 5 पे जो निकल के आता है वो है एम्बरल्ड कासल विद ड्रैगन, जो कि बनाया बल्कि स्टार ने। तुम लोगों को ड्रैगन कम लग रहा होगा, भेड़िया मानव जैसा कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, जब पंख बनते ना जब फाइनल लुक आते हैं तब पता चलता है हाँ ये तो ड्रैगन है, नहीं तो उससे पहले कुछ और ही चीज़ लग रही होती है। अगर तुम अच्छे से इनकी वीडियो देखो, पूरी वीडियो जाकर इनके चैनल पर देखना, मैंने सबको क्रेडिट दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वहाँ पर मैंने सबको क्रेडिट दे रखा है। सच में ये मतलब इतना मस्त बिल्ड है ना, दो वीडियो बनाई है इन्होंने, एक एम्बरल्ड कासल की और एक एम्बरल्ड कासल विद ड्रैगन, और दोनों ही अमेजिंग है सच में भाई। इसको देखने के बाद तुम लोगों को लगेगा ही नहीं कि तुम लोग माइनक्राफ्ट खेलो, तुम लोगों को लगेगा तुम कोई फेरी टेल की दुनिया में जी रहे हो, जो कि पता नहीं। एक बार देखो इसे, पहले मानव लग रहा है, आधी मानव जैसा कुछ है, फिर उसके जैसे मुंह बनाया तो भेड़िया लग रहा है, लेकिन लास्ट में जब विंग्स ऐड होते हैं ना तब जाके ऐसा लगता है ड्रैगन है। अब देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ड्रैगन है ना वो हमला कर रहा है कासल के ऊपर। तो सच में यार बहुत कमाल की चीज़ है जो मेरे को लगी, बाकी तुम लोग बताना कमेंट के ना। अब चलो आगे। सो गाइस एक बार इसे देखो, ये है माइनक्राफ्ट का बुर्ज खलीफा। तुम लोगों ने बुर्ज खलीफा बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत सारे व्लॉग्स में मैं भी देखते रहता हूँ आजकल बुर्ज खलीफा। भाई मेरे को एक बार वहाँ जाना है, एक बार देख के आना है। लेकिन माइनक्राफ्ट में ये जो बुर्ज खलीफा ना, जिसके अंदर भाई एमरल्ड और गोल्ड की लेयर लगाई है भाई बंदे ने, ऊपर से ज़मीन से लेकर ऊपर जो हाइट लिमिट है ना माइनक्राफ्ट की, वहाँ तक बना रखा है भाई, इतने ऊपर बना रखा हाइट लिमिट पे। ये देखो 312 कोऑर्डिनेट वाई, इससे ऊपर बना रखा हाइट लिमिट होगा। और सच में भाई ये अमेजिंग है, अमेजिंग। तो भाई इसलिए तो लाइक बनता है। अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज ज़्यादा पसंद है हार्डकोर से, तो तुम लोगों को पता ही होगा ये बंदा कौन है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पता तब भी मैं बता देता हूँ। तो ये है टेक्नो गेमर्स, जो अपने माइनक्राफ्ट में इतने बड़े बड़े बिल्ड्स बनाते हैं जो कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। इनका वर्ल्ड इतना बड़ा है जो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, साथ में इनके वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें जो कि मैं तुम लोगों को सच में नहीं बता सकता, क्योंकि इनके वर्ल्ड में ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि अब तक मैंने खुद भी पूरी नहीं देखी है, क्योंकि मैंने इनकी सीरीज ज़्यादा नहीं देखी, वो अलग बात है। लेकिन हाँ मैंने कुछ एपिसोड देखे जैसे जू वाला, म्यूज़ियम वाला, और भाई जू म्यूज़ियम एक नंबर चीज़, वैसे इनका भाई म्यूज़ियम आह एक नंबर है गाइस। म्यूज़ियम एक बार तुम देखो, यहाँ पे एक से एक मोब कैद कर रखा है, यहाँ तक विदर को कैद कर दिया, वार्डन को कैद कर दिया, सबसे ताकतवर मोब भाई, सबसे ताकतवर मोब है वो माइनक्राफ्ट का विदर, उसको कैद कर दिया, इसको भी कैद कर दिया गास्ट को, मतलब भाई सब मोब्स को कैद कर रखा है भाई बंदे ने। तो सच में भाई क्या मतलब एक नंबर। मेरे दोस्त ने मेरे को कहा था कि टेक्नो गेमर्स की सीरीज़ एक बार जाके देख, बहुत ओपी है। तो मैंने स्टार्ट की टेक्नो गेमर्स की सीरीज़ देखनी सर्वाइवल की, और सच में भाई मज़ा आ गया भाई, कसम से बता रहा हूँ ये क्या ही सीरीज़ बनाई है इस बंदे ने, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता, तुम लोग खुद देखोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ, और वीडियो ख़त्म होने वाले तो लाइक भी कर दो, क्योंकि नंबर 2 पे तुम लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आने वाला। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ।
मुझे पता है भाई, ये मैंने एडिट नहीं की, मुझे पता है ये उन्होंने खुद एडिट की है। सच में ये मैं इतना प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ कि मैं इस प्रकार से एडिट करूँ, ये उन्होंने खुद एडिट की है, बस मैंने वो क्लिप उठाई और आप लोगों को चे दी। ऐसा नहीं है मैं अब रिएक्ट करने वाला हूँ, सच में भाई ये तुम लोग एक बार देख रहे हो ना इसे, अभी तुम लोगों को मैं PIP में लगा के दिखा रहा हूँ, तो तुम लोग देखो भाई एक बार कितना कमाल का है यार ये बिल। पूरे के पूरे एक आइलैंड को उन्होंने गोल्ड में, मतलब पूरे आइलैंड को गोल्ड में कन्वर्ट करा और विलेज भी कन्वर्ट करा, जो एक नंबर था भाई। मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, सच में मेरा दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। पर नंबर वन नॉस्टैल्जिया फील करा देने वाला तुम लोगों को, नॉस्टैल्जिया। सो गाइस, ये बिल्ड के नाम पर एक पूरी की पूरी सिटी है जिसको बनाना जिसको बसाना बहुत मुश्किल है। इनमें लगभग इनको 1.5 साल से ज़्यादा ही टाइम लग चुका है, तो ये 2 साल पुरानी वीडियो में तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, जब भाई माइनक्राफ्ट के कितने कम यूट्यूबर्स थे। मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब तो भाई मैं सच बताना 2 साल पहले मैं बहुत कम हिंदी में वीडियोस देखता था, मैं इंग्लिश में देखता था, मैं माइनक्राफ्ट की देखता था वो भी इंग्लिश में देखता था। अभी 1.5 साल पहले से ही लोग काफ़ी ज़्यादा हिंदी की देखने लग गए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर मतलब बहुत सारे आ गए हिंदी में। भाई तुम लोग देखो RTX के साथ ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना भाई। मैं चपाती को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि 2 साल पहले से, लेकिन मैं इनको भाई 3 साल पहले से देख रहा हूँ। मेरे फेवरेट मतलब यूट्यूबर जो मेरे हैं ना, उनमें से फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है। बाकी यार इस क्लिप को मैं तुम लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मैं इस क्लिप को लगाने की वजह से ना मेरे को कॉपीराइट भी आ रहा है, ऊपर से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है इसको अपलोड करने में, इसलिए मैं तुम लोगों को पूरा नहीं दिखा पाया। बाकी तुम लोग इनकी पूरी वीडियो देख सकते हो जाके, मैं तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरी वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, पूरी वीडियो जाके देखो, एक नंबर है। बाकी तुम लोग बताओ मेरे का कि भाई तुम लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, मैंने इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, थंबनेल और इसे बनाने में सही में भाई बहुत टाइम लग गया। तुम लोग बताना कमेंट के अंदर वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को ना सब्सक्राइब, और ऐसी और सारी वीडियोस के लिए मेरे को नीचे थोड़ा कॉन्टेंट भी सजेस्ट कर लेना, क्योंकि कॉन्टेंट की कमी है। मैं 2 महीने बाद वापस आया, एग्जाम मेरे ख़त्म हुए अभी कुछ टाइम पहले, और तुम लोग क्या कह रहे हो यार। तो मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बस ज़्यादा नहीं, भीख नहीं मांगना, बस कर देना तुम लोग, तो बाय बाय।